हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो दोस्तों अभी जो है इस वीक में जा रहे हैं लखनऊ। अभी लखनऊ रास्ते में, ओ भाई कितना धुआं दे रहा है, देखो पोल्यूशन पोल्यूशन भाई साहब, दबा के पोल्यूशन फैला रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही नीचे लगा रखा है, तो उसको भी फिक्स करेंगे आगे जाके। पहले यहाँ से निकलते हैं थोड़ा स्पीड में, क्योंकि दोस्तों 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। घर से निकलते निकलते 5 बज गए थे मुझे। और दोस्तों एक चीज़ और यार, आप लोग इस वीडियो को देखो, जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह के और मोटो ब्लॉग्स मैं आपको दे सकूँ, शॉर्ट्स में भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और ब्लॉग्स ला सकूँ। ये लोग अंकल जी साइकिल लेके बीच में ही आ गए। तो भाई अभी लग रही है जोर की सुसू, तो एक काम करते हैं कहीं रुकते हैं और सुसू करके निपटते हैं, फिर चलते हैं। ओके, आगे आ रही है महिंद्रा बोलेरो, एक और महिंद्रा बोलेरो। आंटी जी शायद लिफ्ट मांग रही थी, पर उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने नहीं बोला तो फिर मैंने भी नहीं रोका। क्या करें, जब तक आप बोलोगे नहीं हम कैसे लिफ्ट लेगा आप बताए। हाँ, जबरदस्त लिफ्टेगा तो कोई बोलेगा कि हमको छेड़ रहा है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स बिकॉज वी आर द बॉयज। किसी भी बारात जा रही लग रहा है, लग तो ही रहा यार। डम्फर जा रहा भाई बगल में, इसका क्या किया यार। ओ भाई इतनी धूल उड़ा रखी यार से, तो शिट मैं तो गलत फंस गया इधर। मैं काम करो इसको निकल जाने थे। अब यार ये उसी तरफ ना जा रहा हूँ। अगर ये उधर जा रहा होगा ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। चलो बढ़िया है, इसने इतनी धूल उड़ा दी कि दिमाग ख़राब हो चुका है। कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फाइनली भाई अब वी आर ऑन द वे टू लखनऊ। यो यार, आज मुझे लग रहा है कि कैमरा सही से फिट नहीं हुआ है, GoPro मैंने ठीक से मतलब शायद लगाया नहीं है। तो यार मैं सोच रहा हूँ जो GoPro है ना, इसको परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए। अभी क्या है, मैं एक स्ट्रैप के थ्रू मतलब GoPro के यहाँ पर लगाता हूँ, जो चिन माउंट आता है ना स्ट्रैप्स वाला, उसके थ्रू। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैंने GoPro की एक्सेसरीज मंगाई हैं काफ़ी सारी, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या करूँ कि MC लगा के परमानेंटली एक यहाँ पर फिक्स कर दूँ, वो क्या कहते हैं उसको, और अपना GoPro उस पर फिर माउंट किया करूँ। कैसा रहेगा ये आइडिया, वैसे सेफ तो है, अगर इसको हम MC से स्टिक करेंगे तभी सेफ लगता है मुझे। तो कैसा रहा ये आइडिया, इसका आइडिया के ऊपर कमेंट में बताइए। और मैं सोच रहा था यार कि अगर मैं जैकेट नहीं लेके जाऊँगा तो बहुत ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो ठंड ऑलमोस्ट कम हो गई है, बस अब ठंड लगेगी रात के टाइम पर। ये रात रात की ठंड है, मतलब जब हम लोग सुबह निकलते हैं ना 4 बजे की, तो हम ठंड लगती है उस टाइम पे। ये देखो भाई भैंसों को यार, ये लोग ना साइड ही नहीं करते भाई, साइड कर ले करो भाई भैंसों को यार। ये लोग ना देखते हैं गाड़ी आ रहा सामने से, वाहन जा रहा है, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने मस्ती में बच्चे रहते हैं जो लोग भी रहते हैं इनको चलाने के लिए। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, साइड हो। हाँ ये हुई ना बात, भैया साइड हो गए, भैया है कि छोटा भाई है पता नहीं, लेकिन कॉमन लैंग्वेज है ना भैया की, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कॉमन लैंग्वेज यूजिंग।
आगे देखो भाई साहब, ओ भाई दोस्तों आपने ओवरलोडिंग देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ महा ओवरलोडिंग। ये देखिए भाई साहब, इसे कहते हैं महा ओवरलोडिंग। ये भाई साहब देखिए कितना ट्रक में इतना सारा सामान इन्होंने लोड कर रखा है। ये देखो जी, ये देखो इतना ज़्यादा हैवी ओवरलोडिंग कर रखी है भाई, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला भी नहीं है। और ये भाई का रिएक्शन गोप्रो की तरफ, यार सच में ऐसे लोगों ना तुरंत पकड़ के चालान करना चाहिए। इतनी ज़्यादा ओवरलोडिंग, एक मैंने वीडियो भी जस्ट डाली है आज ओवरलोडिंग का, दूसरी ओवरलोडिंग ये देख लो जी। ये देखिए सूर्य देवता अपने साथ लाइक ऑलवेज। चलिए चलते हैं, अंकल जी साइड हो जाओ भैया जी, पूरी रोड पे चल रहे हो, आप ही की है क्या? ये देखो आगे दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो भाई अब की बार जो है, मैंने लास्ट टाइम जब मैं लखनऊ गया था तो मैंने मतलब पिछले हफ्ते ही लखनऊ में तेल डलाया था, तो आई होप कि मैं इस बार तेल ना डालाऊँ और वापस आ जाऊँ। अगर दो चक्कर लग जाते हैं मेरे अप डाउन के बुलेट से बिना तेल डलाए तो भाई साहब मैं कृतज्ञ हो जाऊँगा अपनी बुलेट से, कृतज्ञ यू नो। ये शीशा ढीला है, इसको टाइट कराना पड़ेगा, टाइट होगा या चेंज होगा जो भी होगा। अब इसको नेक्स्ट सर्विस में हम जाएंगे जब रॉयल इनफील्ड, तब इसको कराएंगे। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा भीड़ भाड़, गाँव वाला भीड़ भाड़, नॉट शहर वाला भीड़ भाड़। शहर में तो खैर आप जानते ही होंगे कितना भीड़ होता है। देखो यहाँ का फिश मार्केट है, कोई बाजार लगती है यहाँ पे। पिछली बार मुझे लगा था यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, बट यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे हुआ था क्या, पेपर चल रहा था और मुझे लगा था कोई एक्सीडेंट हो गया। तो जाने ना दूंगा सूर्य देवता, ओम क्या बोलते सूर्य देवाय नमः। सूर्य सेट हो रहा है, मतलब सनसेट हो रहा है। लेट्स होप कि हमारी गाड़ी जो है लखनऊ तक पहुंच जाए बिना किसी फ्यूलिंग के। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज जो है थोड़ा सा सीन ये हो गया है कि मेरे पास जो कैश था मैंने वो कल ख़त्म कर दिया था, और कुछ 400-500 रुपये कुछ बचे थे तो वो मैंने घर पे दे दिए वाइफ को रखने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मतलब बच्चे छोटे हैं, कुछ हो जाए तो बेटा ख़राब हो कुछ हो तो दवाई पानी हो सके। तो मैं अभी जो है अपनी पॉकेट बिल्कुल नील बटा सन्नाटा करके चल रहा हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुर्घटना हो जाती है और मुझे पैसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पैसे नहीं दे सकता। अगर पंचर हो जाए या कुछ भी हो जाए तो पहली बार इस तरह से हुआ है लाइफ में। ये देखो गांव के बच्चे साइकिल से ट्रैवल करते हुए, मतलब पहली बार इस तरह से हुआ है कि मैं किसी भी मतलब मुद्रा के बिना कैश, मतलब सख्त मुद्रा हार्ड मनी के बिना और सख्त मुद्रा के बिना मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देखो ये लड़कियाँ जा रही ऊपर आगे बातचीत करते हुए, ये अभी ये छपरी बॉयज हैं या कौन है गॉड नोस। तो भाई आधा मतलब हम 40% जो रास्ता है वो कवर कर चुके हैं, 30% हाँ दोस्तों अभी हम 30% रास्ता कवर कर चुके हैं और 70% बचा हुआ है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम ऑफिस पहुँचे बिना लेट हुए, बिना किसी की डांट सुने। इसको टीचू टीचू टीचू
ये देखो जी दोस्तों, ये है क्या कहते हैं इसको, गौशाला, अस्थाई गौशाला है, जहाँ पे लोग जो जानवरों से परेशान हैं वो यहाँ पे उनको छोड़ जाते हैं, अपने पालतू जानवरों को कुछ पैसे देके। और पैसे देने का सिस्टम मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन कुछ पैसे लेते हैं तभी जानवरों को यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। ये जा रहे हैं आगे पुलिस वाले, ठीक है, इन्हीं के आगे बिना हेलमेट के, और इन्हीं के आगे ये देखो जा रहा है ओवरलोडेड ट्रैक्टर, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ना बुला के इनको पूछेंगे ये ना ये सुधरेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, ट्रैक्टर में जो है वो सुविधा भी, मतलब वो कम होती है, क्या कहते हैं, अरे जिससे उछलती नहीं है गाड़ी, स्टेबिलिटी कम होती है, अगर मतलब स्प्रिंग्स वगैरह इसमें होती नहीं, हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो सीधा ट्रैक्टर पलट ही जाता है। फिर भी ये हाल है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। रुक जाओ दो मिनट, एक्सक्यूज़ मी, हाँ इतनी लंबी लाइन लगा रखी जानवरों ने, मैं रुकने के लिए बोला नहीं रुके, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तब समझ में आया उन लोगों को रुकने के लिए कह रहा हूँ, रास्ता मांग रहा हूँ। हाँ उसके बाद उन्होंने मुझे रास्ता भी दिया भाई, भैंसों ने, क्या बात। ये देखो जो उत्तर प्रदेश की रोडों की हालत, यही है उत्तर प्रदेश का विकास। फिर भी गाड़ी कंट्रोल में ही चलाएंगे, कंट्रोल से ऊपर नहीं जाएंगे भाई। ये देखो सब लोग लखनऊ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाई आ गए हम लखनऊ, अब जाएंगे भाई हम पगडंडी से। ये देखो भाई, ये है पगडंडी, आगे से भी देखिए भाई लोग आ रहे हैं और अपन इधर से जा रहे हैं। ये दिस इज ऑफिशियल रोड नाउ, ऐसा यहाँ से क्यों है पता नहीं, और ये ट्रेन जल्दी से निकल जाए तो उधर अपना क्रॉसिंग खुल जाए, आई होप। ओ भाई ये आ गए भाई हम लोग, लखनऊ, यहाँ पे देखिए प्लॉटिंग कट रही है भाई, लेकिन ओ भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ओ भाई यहाँ तो यहीं पर रुकना ठीक है, चलो जी देखते हैं चल के आगे क्या स्टेटस है। अब ये फाटक खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आई विश ये फाटक खुल जाए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।